हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है इन देवी की पूजा, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी के चौथे स्वयं रूप माँ कुष्मंडा की पूजा होती है। देवी कुष्मंडा आदि शक्ति का वह स्वयं रूप है, जिनकी मंद मुस्कान से इस सृष्टि ने सांस लेना आरंभ किया, यानी इस सृष्टि का आरंभ किया। देवी कुष्मंडा का निवास स्थान सूर्य मंडल के बीच में माना जाता है। देवी का तेज ही इस संसार को तेज बल और प्रकाश प्रदान करता है। देवी कुष्मंडा मूल प्रकृति और आदि शक्ति हैं। जब सृष्टि में चारों तरफ अंधकार फैला था, उस समय देवी ने जगत की उत्पत्ति इच्छा से मंद मुस्कान किया। इस दिन उपासक का मन अनाहत चक्र में उपस्थित रहता है, जो हृदय के मध्य स्थित होता है। इस देवी की उपासना के लिए भक्तों को हल्के नीले रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए, जो इस चक्र को जागृत करने में सहायक होता है। माँ कुष्मंडा के स्वयं रूप के बारे में, इस सृष्टि में अंधकार का नाश और सृष्टि में प्रकाश फैल गया। कहते हैं कि देवी के इस तेज मय रूप की जो भक्त श्रद्धा भाव से भक्ति करते हैं और नवरात्रि के चौथे दिन इनका ध्यान करते हुए पूजन करते हैं, उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। माता अपने भक्तों की हर चाहत को पूरी करती हैं और भोग एवं मोक्ष प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि ये अष्टभुजाओं वाली देवी हैं। इनकी भुजाओं में बाण, चक्र, गदा, अमृत, कलश, कमल और कमंडल शोभा पाते हैं। वही दूसरी भुजा में सिद्धियां और निधियां से युक्त माला धारण करती हैं। माँ कुष्मंडा की सवारी सिंह है। देवी कुष्मंडा का ध्यान मंत्र, भक्तों को चाहिए कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर देवी कुष्मंडा का ध्यान करें। इसके बाद दुर्गा के कुष्मंडा रूप की पूजा करें। पूजा में माँ को लाल रंग के पुष्प, गुड़हल या गुलाब अर्पित करें। इनके साथ ही सिंदूर, धूप, दीपक और निवेद्य भी माता को चढ़ाएं। माता की इस स्वयं रूप का ध्यान स्थान अनाहत चक्र है, इसलिए देवी की उपासना में अनाहत चक्र के मिलते रंग, जो हल्का नीला रंग है, उसी रंग के वस्त्रों को धारण करें। इससे माता के स्वयं रूप में ध्यान लगाना आसान होगा। देवी कुष्मंडा को कुम्हरा यानी पेठा प्रिय है। देवी की प्रसन्नता के लिए आप सफेद पेठे के बलि दे सकते हैं। इसके साथ ही देवी को माल पुए और दही हलवे व भोग लगाएं। इस तरह आप देवी कुष्मंडा की कृपा का लाभ पा सकते हैं। देवी कुष्मंडा की साधना और पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। देवी अपने भक्तों को हर संकट और विपदा से निकाल कर सुख वैभव प्रदान करती हैं। साथ ही जो देवी कुष्मंडा की भक्ति करते हैं, माता उसके लिए मोक्ष पाने का मार्ग सहज कर देती हैं। माता के भक्तों में तेज और बल का संचार होता है, इन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आज की कथा? अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।